मध्य प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद शनिवार को कांग्रेस ने बची हुई 3 सीटों पर भी प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। ग्वालियर, मुरैना और खंडवा सीट पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। अब मध्य प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई है। मुरैना से पूर्व विधायक सतपाल सिंह सिकरवार नीतू को टिकट दिया गया है। ग्वालियर से पूर्व विधायक प्रवीण पाठक को मैदान में उतारा गया है, जबकि खंडवा से नरेंद्र पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। खंडवा से पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को टिकट नहीं दिया गया। कांग्रेस ने अब मध्य प्रदेश की सभी 28 सीटों पर प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। बाकी एक सीट पर इंडिया गठबंधन के खजुराहो लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने मीरा यादव को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन एक दिन पहले उनका नामांकन फॉर्म रिजेक्ट हो गया। मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि कांग्रेस ने सभी प्रत्याशी मजबूत और अच्छे दिए। ये 3 सीटें जो है अंतिम चरण की थी, वो भी अनाउंस कर दी है। नरेंद्र पटेल खंडवा से, नीतू सिकरवार मुरैना से और प्रवीण पाठक अपने ग्वालियर से। बहुत अच्छे उम्मीदवार दिए कांग्रेस पार्टी ने। अब क्या लगता है आपको, मिशन 29 के मुकाबले कांग्रेस की? देखिए, इस बार जितने अच्छे टिकट बटे हैं, बहुत सोच समझ के टिकट दिए हैं और बहुत प्रायोरिटी पे जीतने वालों को दिए हैं।